रोड नहीं तो वोट नहीं, ये रोड हमारे जो संजय जायसवाल हैं, हमारे जो सांसद हैं, ये हमारे हम लोगों के खानदानी नेता हैं। इनके पिताजी भी थे और ये भी हैं, लेकिन अब तक लगभग तीस साल से वो यहाँ पे उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, लेकिन अब तक उनके हाथ से हम लोग विकास नहीं देखे हैं। सिर्फ वो आते हैं हिंदू मुस्लिम करके, वो लोग वोट लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। यहाँ से इस गांव से लगभग 1000 से ज़्यादा साइकिल लड़कियाँ जाती हैं पढ़ने के लिए मोतिहारी, और बहुत सारे लोग भी जाते हैं अपना काम वाम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, ऑफिस करने के लिए, लेकिन उन सभी लोगों को काफ़ी दुश्वारी होती है और रास्ता क्लियर है ही नहीं, रास्ता साफ नहीं है, रास्ता में ऊंचा नचा और गड्ढा है। सड़क के लिए आप लोग प्रोटेस्ट, सड़क के लिए प्रोटेस्ट, मतलब उनके कार्यकाल में आपके क्षेत्र में सड़क का विकास नहीं हो पाया? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं हुआ है। अगर सड़क का विकास हुआ होता तो सांसद साहब आज आ रहे हैं, आ करके दिखा दें सड़क पर हम लोग के साथ, पैदल चल के हम लोग जिस सड़क से जाते हैं उस सड़क पर पैदल चल के दिखा दें, हम समझ जाएंगे बेतिया में विकास हुआ है, बेतिया लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।